नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूँ सिमानी शुक्ला। मुजफ्फरनगर के प्रमुख व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक यादव को नकली फूड सप्लीमेंट का खुलासा करने पर किया सम्मानित। जनपद मुजफ्फरनगर के एसएसपी कार्यालय पर वरिष्ठ व्यापारी नेता व समाज सेवी राहुल गोयल ने बताया कि आज विजय वर्मा समाज सेवी और भाजपा नेता के नेतृत्व में एक व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव को पटका बनाकर व फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित अभिनंदन किया गया। अभी कुछ समय पहले एसएसपी द्वारा व उनकी टीम के द्वारा नकली सप्लीमेंट बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया गया था, जो कई प्रदेशों में अपना गिरोह चलाते थे। विजय वर्मा समाज सेवी ने बताया कि इस नकली सप्लीमेंट से कई घरों के बच्चों को सुरक्षित किया गया। नकली और असली का जांच करके ही शुद्ध ओरिजिनल लेने की अपील की। एसएसपी अभिषेक यादव ने कहा कि सप्लीमेंट खाना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हर खिलाड़ी अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट का उपयोग करता है, लेकिन सप्लीमेंट नकली है तो इसका खिलाड़ियों पर विपरीत असर पड़ जाता है। और कहा, जनपद में कहीं भी नकली और डुप्लीकेट सामान बनते दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत हमें दें, हम इस पर सख्त कार्यवाही करेंगे। और व्यापारी नेता राहुल गोयल और अनिल अरोड़ा ने व्यापारियों की कई समस्याओं से एसएसपी महोदय को अवगत कराया। उन्होंने जल्द इन समस्याओं का निवारण करने के लिए कहा। वह व्यापारी प्रतिनिधिमंडल का धन्यवाद दिया। इस प्रतिनिधिमंडल में राहुल गोयल, वरिष्ठ व्यापारी नेता विजय वर्मा समाज सेवी अनिल अरोड़ा, सरदार गुड्डू बेदी, विपुल धमीजा, अंकुर जैन, भगत जी, गोपाल गर्ग, संदीप सिंघल, बॉबी सर्राफ आदि मौजूद रहे। बाइट राहुल गोयल समाज सेवी की। विशाल प्रजापति, मुजफ्फरनगर की रिपोर्ट। काफी अच्छे से बताई थी कि भाई ये फेक सप्लीमेंट्स हैं। मेरे पास दो लोगों का फोन आया, उनके अपने जिम से, मैं जानता हूँ मुंबई से फोन आया, तो उन्होंने कहा सर हमसे इसलिए फोन कर रहे हैं कि आपने फेक सप्लीमेंट कहा है, आप चाहते तो सप्लीमेंट्स का ही बाजा बजा देते। आपने यही कहा कि ये ओरिजिनल सप्लीमेंट्स का फेक हुआ है, आपने सप्लीमेंट्स की बुराई नहीं कही, तो लोग उसी की बुराई करते हैं। तो मैंने कह रहा हूँ तो मैं खुद यूज करता हूँ, मुझे पता है कि सप्लीमेंट्स बुरे नहीं, लेकिन हाँ वो सप्लीमेंट के नाम पे अगर गोबर खाएगा बच्चा तो